भाई देखे बाहर का मौसम कैसा किया है, मतलब पानी पड़ने वाला है, मतलब लग रहा है पानी पड़ेगा, लेकिन देखिए पता नहीं। अभी तो मॉनसून एक तो इतना लेट हो गया है। ये लोग किनका है? ये देखिए देखिए, दे दिन रह गया। लीजिए आएगा तो फिर आए पड़ा। हाँ लीजिए, क्या लीजिए है लाने में? नौ ढेबरी तेल दे। तो भाई ले लिए आम, यहाँ मिल रहा था रोड के किनारे पे, अभी चलते हैं घर। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। अभी दोपहर हो गया है और बहुत दिन से हम व्लॉग नहीं डाल पा रहे थे, असल में थोड़ा बिजी चल रहे थे काम को लेके, बहुत ज़्यादा काम हो गया था हमको, बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। मेरा अभी इंस्टाग्राम वगैरह सब बंद है क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि वो सब भी चलाए। व्लॉग बहुत दिन से नहीं डाल पा रहे थे लेकिन आज हम व्लॉग डाल रहे हैं, और आज का वीडियो थोड़ा अलग है, आज स्केचिंग से रिलेटेड वीडियो है, आज डेली व्लॉग नहीं है। और आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। इतना दिन से व्लॉग नहीं बनाया तो थोड़ा आदत भी छूट गया बोलने का भाई। तो अभी चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई अभी आप लोग को बता देते हैं जल्दी से कि शेड्स क्या है, डिफरेंट शेड्स पेंसिल्स का, और बिल्कुल सिंपल वर्ड में मैं समझाऊंगा। तो अभी मेरे पास यहाँ डिफरेंट शेड्स का डिफरेंट पेंसिल्स है, जैसे कि आर्ट लाइन का, अभी मैं आर्ट लाइन का फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, और पहले मेरे पास स्टेडलर का हुआ करता था, तो अभी स्टेडलर का मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं आर्ट लाइन का यूज़ कर रहा हूँ। एक स्टेडलर का पेंसिल है जो कि मैं बताऊँगा कि क्यों है अभी मेरे पास। तो अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ अभी, तो अभी मेरे पास ये एच बी पेंसिल है। तो एच बी पेंसिल क्या है? एच बी पेंसिल है नॉर्मल शेड जो कि हम लोग यूज़ करते थे स्कूल्स में, ये बिल्कुल नॉर्मल शेड का पेंसिल होता है। तो अभी इसको हम शेड करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल सा शेडिंग है। इसके बाद हम लोग का आता है टू बी पेंसिल, ये टू बी शेड का पेंसिल है। और टू बी शेड क्या है? एच बी से थोड़ा सा डार्क होता है, ये एच बी से डार्क होगा। मैं बिल्कुल सेम इंटेंसिटी से यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इसका शेड जो है वो थोड़ा सा डार्क है एच बी के कंपैरिजन में। अब मेरे पास तीसरा पेंसिल आता है जो कि है फोर बी। तो फोर बी ये जो मेरा पेंसिल है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इसको ब्लेड से शार्प करके रखा है क्योंकि मैं इसको स्क्रीन शेडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो 4B जो है वो 2B से डार्कर होगा। अब इसके बाद हम लोग के पास आता है 6B। 6B जो है वो 4B से भी ज़्यादा डार्क होगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे शेड्स जो है वो डार्कर होता जाएगा। इसके बाद आता है 8B। 8B तो आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग ऐसे शेड्स पे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये डार्क होता जा रहा है। अब हम लोग के पास आता है 10B शेड। तो 10B जो है एक्चुअली इसका नेप टूट गया है, एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी इसको शार्प करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो 10B जो है वो और भी ज़्यादा डार्क होगा, ये सबसे ज़्यादा डार्क होगा अभी। अभी ग्रेफाइट में मेरे पास डार्केस्ट शेड जो है वो 10B ही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अभी आप लोग अगर इसको नॉर्मली देखें तो सबसे डार्क आपको 10B दिखेगा, और ये डिफरेंट शेड से जैसे जैसे हम लोग ऐसे बढ़ते गए हैं वैसे वैसे ये डार्कर होता गया है। और इसके बाद जो आता है, जो मैं स्टेडलर का आप लोग को बताया नहीं था, ये स्टेडलर का जो मेरा पेंसिल है ये आप लोग देख सकते हैं, ये ई शेड लिखा हुआ है। अब ई क्या है? ई असल में ग्रेफाइट और चारकोल का कंपोजिशन है। अभी इसमें क्या है कि ई शेड जो है ये अभी आप लोग को सबसे डार्कर दिखेगा, ये कार्बन ब्लैक जैसा फिनिशिंग आएगा इससे। अब डिफरेंस क्या है इसमें, ये अलग क्यों है, मैंने ये स्टेडलर का क्यों रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल ग्रेफाइट जो होता है ना, वो अगर हम लोग साइड से देखें तो ये शाइन करता है। अभी ऐसे इस लाइट पे नहीं पता चल रहा होगा लेकिन ये थोड़ा शाइन करता है, लेकिन जो ई शेड होता है
चारकोल जो होता है वो शाइन नहीं करेगा। तो पता नहीं, हाँ देखिए इसमें पता चल रहा है, ये जो है ये शाइनिंग कर रहा है अगर साइड से देखें तो, और ये शाइन नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें चारकोल का भी कंपोजिशन है। अब मेरे पास एक चारकोल पेंसिल अलग से है जो कि कैमलिन का सिंपल सा एक पेंसिल है, सॉफ्ट चारकोल। अब सॉफ्ट चारकोल क्या है, ये नॉर्मल सा चारकोल पेंसिल है, ये मैं यूज़ करता हूँ हेयर शेडिंग में या फिर जो डार्केस्ट रीजन होता है जहाँ पे हम लोग को डार्केस्ट शेड चाहिए वहाँ मैं चारकोल यूज़ करता हूँ। तो यही है डिफरेंट शेड्स पेंसिल्स का। और आप लोग चाहे तो, मैं तो अभी आउटलाइन का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो कैमलिन का भी ड्राइंग पेंसिल आप लोग यूज़ कर सकते हैं या स्टेडलर का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेडलर सबसे कॉस्टली आता है, मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग बिगनर हैं तो आप लोग आउटलाइन का यूज़ करें, क्योंकि ये चीपर होता है प्राइस में और कुछ खास डिफरेंस मेरे को तो लगा नहीं स्टेडलर के पेंसिल्स पे और इस पे। तो आप लोग आउटलाइन का पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा इतना। तो गाइज़ उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय।